नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आठ की बात, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर कानपुर से आपको बताएंगे। कानपुर शहर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इत्र कारोबारी के घर पर आयकर टीम का छापा पड़ा। 150 करोड़ की रकम बरामद हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 150 करोड़ की रकम बरामद की गई है। इस छापे में आनंदपुरी के रहने वाले कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई। नोट गिनने की मशीन लेकर भी टीम पहुंची है, इस बात की जानकारी मिल रही है। नोट गिनने की मशीन लेकर टीम पहुंची है आयकर की। कानपुर शहर में छापेमारी हुई और इत्र कारोबारी के घर पर छापा पड़ा है। और आपको बताया कि 150 करोड़ की रकम बरामद हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर, ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 150 करोड़ की रकम बरामद हुई है छापेमारी में। नोट गिनने की मशीन लेकर आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है। बड़ी कार्यवाही आयकर विभाग की देखने को मिली है कानपुर शहर में। और आपको बताएं कि इत्र कारोबारी के घर पर आयकर टीम का छापा पड़ा है। 150 करोड़ की रकम बरामद की गई है। अब तक सूत्र ये बता रहे हैं आनंदपुरी के रहने वाले कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई और नोट गिनने की मशीन लेकर आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है। ये बड़ी कार्यवाही आयकर विभाग की आप कह सकते हैं। और लगातार यहां पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। रतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, क्या ये पूरी खबर है? क्या जानकारी और ताजा अपडेट इस खबर पर? देखिए, इत्र व्यापारी है कानपुर के, कन्नौज के, और कानपुर में भी इनके कई घर हैं और ऑफिस हैं। लगातार रेड की गई थी, कल से रेड चल रही थी और बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में अवैध करेंसी इनके यहाँ से मिली है और ये करोड़ों में गिनती जारी है। और चलिए, बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी छापेमारी, इसे आप कह सकते हैं। 150 करोड़ की रकम अब तक बरामद की गई है, सूत्र ये बता रहे हैं। आनंदपुरी के रहने वाले कारोबारी के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी कार्यवाही से आप कह सकते हैं। इत्र कारोबारी के घर पर आयकर टीम अभी भी मौजूद है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और अब बात यूपी की सियासी खबरों की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल दो महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी, कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक, और सबसे पहले बात सीएम योगी के दौरे की करेंगे। अयोध्या जमीन विवाद उठने के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे और अयोध्या में सीएम योगी कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसके तहत वो सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में दो दिवसीय आयुष मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में ही लखनऊ, कानपुर नगर और देहात के साथ संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया के 50-50 बेड के अस्पताल और 500 आयुष वेलनेस केंद्रों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय अयोध्या एवं उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई व मिर्जापुर में खुलने वाले 50 बेड वाले आयुष अस्पतालों और 250 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का शिलान्यास भी सीएम योगी यहां से करेंगे। और चलिए कुछ अहम जानकारी आपको दे दें। मिशन अवध पर महाराजा बहराइच में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और प्रयागपुर कैसरगंज होते हुए महसी पहुंचेगी यात्रा। महसी में जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। 5 साल में योगी का 5वां दौरा ये होगा। 98 परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण भी होगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि 18 किसानों को ट्रैक्टर भी सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं।
महसी का चुनाव मैथमेटिक्स क्या है ये भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि मिशन अवध पर महाराजा होंगे, लेकिन अब यहाँ पर गणित क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ब्राह्मण बाहुल्य सीट, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, 2017 में भाजपा जीती थी यहाँ पर और भाजपा के सुरेश्वर सिंह ने जीत हासिल की थी, और 2012 में बसपा के पास ये सीट थी। 2007 की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा के पास ये सीट थी, लेकिन 2012 की अगर तस्वीर देखें तो यहाँ पर बसपा का कब्जा रहा। 2007 में आप देख रहे हैं कि भाजपा के पास ये सीट थी, और अब इसके साथ ही 2002 के आंकड़ों पर नजर डालें तो बसपा के कृष्ण कुमार ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे यहाँ पर तस्वीर बदलती रही, लेकिन अब इस बार का मुकाबला बहुत कड़ा है और देखना होगा कि इस सीट को कौन कब्जाता है। मिशन अवध पर महाराजा है अलग अलग कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के तहत जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से ऋषि गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद पहले भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, और हनुमान गढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद जो है वो मणि रामदास छावनी पहुंचेंगे, जहां पर सत्संग लोकार्पण उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जीआईसी मैदान है, वहां पे कई योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन करने वाले, आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों और कई प्रदेशों के जो का उद्घाटन तो करेंगे ही, सेवा एकीकृत आयुष अस्पतालों का लोकार्पण भी करेंगे, और साथ ही साथ ये जो चिकित्सालयों का शिलान्यास भी करेंगे। जो है आयुष मेले का उद्घाटन जीआईसी मैदान में रखा गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। और अगर हम मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे की बात करें तो कम से कम 46 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अयोध्या पहुंचे, और यूं कयास लगाया जा रहा है इस बार भी कुछ न कुछ अयोध्या को एक बार फिर बड़ी देकर ही जाएंगे। बिल्कुल, चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, कई मायनों में ये अहम भी है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, मिशन अवध पर योगी आदित्यनाथ होंगे तो इस दौरान क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या फैक्टर है, वो भी आपको बताते हैं। अयोध्या में कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं, और देखिए यहाँ पर आयुष मेले का वो उद्घाटन करेंगे, इसके साथ साथ आयुष अस्पतालों का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, और बेड वाले अस्पतालों का यहाँ पर शिलान्यास होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सत्संग भवन का भी उद्घाटन होगा, रामलला के भी दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ आयुष मंत्री सर्वानंद सोनेवाल उनके साथ होंगे, यानी कि इस कार्यक्रम में वो भी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो ये तमाम अहम जानकारी है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कई मायनों में अहम है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि प्रियंका गांधी ने जमीन खरीद को लेकर सवाल उठाए हैं, और इस बीच जब मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं तो देखना होगा कि जब वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो इस मुद्दे पर उनका रिएक्शन क्या रहता है। एक तरफ जहां भाजपा राम मंदिर निर्माण के सहारे अपने एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद का घोटाले का मुद्दा बनाने में लगा हुआ है, और इस घोटाले को लेकर एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ चुका है, जहां एक तरफ कथित जमीन घोटाले को लेकर योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है, तो वहीं चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को कैश कराने के मूड में साफ दिखाई दे रहा है। उसमें जिसका भी नाम लिया जा रहा है वो भाजपा से संबंधित लोगों का नाम लिया जा रहा है या जो सरकारी कर्मचारी है, तो ये विपक्ष का चाल है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह हमारा ही नाम इसमें प्रकरण में आया, विधायक जी का नाम, तो हम लोग विधायक से पहले पूर्व हम लोग शुरुआत से 70% हम लोग व्यापारी ही रहे। हम लोग काम यही नहीं कि हम लोगों ने यही जमीन ली, हम लोगों ने तमाम जमीन लखनऊ में भी ली है, सुल्तानपुर में भी ली है, तो हम लोग बेसिकली व्यापार का काम भी, व्यापार के साथ साथ अपने जमीन का भी हम लोग कारोबार करते हैं। माझा बराठा के जितने दलित से सारी जमीन उन्होंने उन लोगों ने दिया कि हम यहाँ स्कूल बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको कहकर नौकरी लेकर गया था। वो अपने आदमी के नाम, एक रुंगही नाम का कोई प्रयागराज में इलाहाबाद में रहता, उसके नाम खरीदवाया, 10 रुपए कागज पर अपने नाम करवा के जब फंसा तब कौड़ियों के भाव अधिकारियों को जमीन उसने
देना शुरू कर दिया। जितने अधिकारी थे जो रिकॉर्ड का काम देखते हैं, जमीन लगभग लगभग महर्षि योगी से सबने ली। ये जो कारोबार, काला कारोबार प्रभु श्री राम की धरती पर चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितने दाखिल खारिज बैनामे हुए हैं अयोध्या में, इन सब की जांच होनी चाहिए, तो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं के और नामों के खुलासे होंगे। वही भाजपा की जन विश्वास यात्रा का आज छठा दिन है और आज भाजपा संगठन के 6 क्षेत्रों की यात्राएं अपने अलग अलग पड़ाव पर पहुंचने वाली है, जिसमें से गोंडा की जन विश्वास यात्रा आज बहराइच पहुंचेगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे और महसी विधानसभा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पिछले 5 सालों में सीएम योगी महसी विधानसभा का 5वीं बार दौरा करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि देवरिया की जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे, जबकि फतेहपुर में जन विश्वास यात्रा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल होने वाले हैं, जबकि प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो जन विश्वास यात्रा आज दूसरे दिन भी शहर में ही रहेगी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे करेंगे। तो वहीं मेरठ में जन विश्वास यात्रा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान शामिल होने वाले हैं। मैनपुरी की बात करें तो जन विश्वास यात्रा की कमान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य संभालने वाली है। जहां देश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन मुश्किलों को बढ़ा रहा है, तो वहीं इसी बीच यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में कोरोना से होने वाले खतरे का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की गई है हाईकोर्ट की तरफ से। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर कोर्ट ने बयान दिया, अनुरोध भी किया कि चुनावी रैलियों और सभा रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अनुरोध किया गया, टिप्पणी की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव टालने के लिए कहा है, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने 2 महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। ये कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए, इसके लिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पर भी चिंता जाहिर की उन्होंने, इसलिए किया कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, क्योंकि इस टिप्पणी को बहुत गंभीरता से भी लेने की जरूरत है, लगातार रैलियों में जिस तरीके की हम भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डर और खतरा दोनों ही बढ़ते जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई है, चुनाव आयोग से, हाईकोर्ट की तरफ से अनुरोध किया गया है कि हो सके तो चुनाव को टाल दीजिए, रैलियों में जो भीड़ बढ़ रही है उसके लिए भी कड़े नियम लागू कीजिए। क्या इसके इस खबर के बाद, क्योंकि ये खबर कल सामने आई, और इसके बाद क्या कोई रिएक्शन, कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है क्या चुनाव टालने को लेकर? देखिए, आपको साफ तौर पर बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और बहुत मुमकिन है कि चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन एक सुझाव दिया है, अनुरोध किया है, और यही वजह है कि हाई कोर्ट का फैसला आए हुए तकरीबन 12 से 14 घंटे का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ना किसी बड़े नेता ने प्रतिक्रिया दी है, ना किसी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। दरअसल सभी सियासी पार्टियां इस मामले में अपने नफे नुकसान का आकलन कर रही हैं और नफे नुकसान का आकलन करने के बाद ही इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी करेंगे। अभी देखने वाली बात यह भी होगी कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को मंजूर करती है, उस जो अनुरोध किया गया है, जो सुझाव दिया गया है, उस पर विचार करती है, या फिर इस
फैसले को कहीं चुनौती देती है, हाई कोर्ट में ही स्पेशल अपील दाखिल की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी, इस बारे में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट ने एक बड़े खतरे को लेकर आगाह किया है और अब ये सरकार और चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो चुनाव को टालती है या फिर चुनाव को बिना भीड़ भाड़ के कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए कराए जाने के आदेश देती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश इन दिनों सियासी पारा बेहद गर्म है, रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, रोड शो हो रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं जिनमें हजारों से लेकर लाखों तक की भीड़ उमड़ रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़े खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी इसी बिंदु को लेकर चिंता जताई है और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी और आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। तो देखना होगा कि क्या अहम फैसले, क्या बड़े ऐलान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दिल्ली से, आपको बड़ी जानकारी दे दें, कोरोना को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की थी। तैयारी कार्यवाही को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ऐलान करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसले हो सकते हैं, कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्थिति का जायजा लिया है। कल तक के आंकड़े अगर आपको बताएं ओमिक्रॉन मामलों के, तो 270 आंकड़ा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठे हैं, तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बलिया और बलिया के बेरिया सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया और उन्होंने सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तपस्वी और साधक आशीर्वाद या श्राप दिया करते थे, इस कलयुग में अब ऐसे लोग भी श्राप देने लगे हैं। दरअसल हाल ही में जया बच्चन ने भाजपा को लेकर श्राप वाला बयान दिया था। देखिए पत्रकार जी, अब कलयुग है, पहले तो साधक और तपस्वी और त्यागी लोग आशीर्वाद दिया करते थे, श्राप दिया करते थे, लेकिन इस कलयुग में नर्तकी भी श्राप देने लगी, यही असली कलयुग का स्वरूप है। वही माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर योगी सरकार बनवाएगी जरूरतमंदों के लिए मकान, ये खबर मिली है और लोगों को सस्ते दाम पर ये मकान दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 26 दिसंबर को प्रयागराज में अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर निर्माण से अभियान की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ 26 दिसंबर को भूमि पूजन कर शिलान्यास करेंगे। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में पिछले साल अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई थी जमीन और शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद सीएम योगी यहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अफसरों संग मौके का मुआयना भी किया और सीएम योगी ने एक साल पहले प्रयागराज में ही इस बारे में ऐलान भी किया था और अब इस अभियान की शुरुआत 26 तारीख से होने जा रही है। इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दें, मुरादाबाद से दबंगों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की है। दबंगों ने पेट्रोल पंप मालिक से मारपीट भी की है, ये बड़ी खबर मिल रही है मुरादाबाद से। और पेट्रोल पंप मालिक को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महलकरपुर का ये पूरा मामला है। महलकपुर से ये जानकारी मिली है, मौके पर टीम पहुंच चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई।